सबसे पहले आपको छतरपुर उतरना पड़ेगा यहाँ पे मेट्रो पे। से वाले सब जो है वो आपको बोलेंगे छतरपुर जाने के लिए, यहाँ से 10-10 रुपए लेते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर रिक्शे से जाना होगा तो आप रिक्शे से जाइए, अगर आपको पैदल जाना होगा तो यहाँ से पैदल जब भी जा सकते हैं। ये छतरपुर मंदिर है तो इसको हम पहले दर्शन करवाएंगे आप सभी लोगों को, उसके बाद जो है हम बाहर का पूरा दिखाएंगे। और हम एंट्री कर चुके हैं, पूरे मंदिर है और आप देख सकते हैं बहुत सारा मंदिर है, सब भगवान का है। थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ दिखाऊंगा मैं आप सभी लोगों को, आप लोग हमारा वीडियो लास्ट तक देखें जरूर। ये नवरात्रा में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे इस मंदिर पे। फूल का पूरा सजावट है और इसके बाद ऊपर भी मंदिर है। फोटो अलाउ नहीं है फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोगों को दिखाने की। और ये पूरा यहाँ पर है पूरा मंदिर। यहाँ की मंदिर की सजावट और बनावट दिखाना वहाँ से सबसे बड़ा मंदिर छतरपुर का यही है। और जो है छोटे छोटे मंदिर पूरा दिखाऊंगा आप सभी लोगों को। मेन मंदिर यही है जो दर्शन करने लोग यहाँ पे मेन आते हैं। दशहरे में तो बहुत नंबर लगाना पड़ता है तब जाके दर्शन मिल पाते हैं। और ये मंदिर का पूरा बनावट मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। दान देना है, दान पत्र यहाँ पे है, जो राशन पानी जो कुछ भी देते हैं लोग दे रखे हैं यहाँ पे दान। ये बरगद का पेड़ है, इसमें मनोकामना धागे बांधे जाते हैं, जिसको जो मन्नत है वो यहाँ पे बांध के जाते हैं। दशहरे के महीने में इधर से लोग आते हैं एंट्री साइड उधर से उस तरफ से और इसके जरिए आते हैं। यहाँ पे पुल बना हुआ है अभी। और जो है इस तरफ का पूरा नज़ारा मैं दिखाऊँ आप सभी लोगों को। ये मंदिर का पूरा प्रोसेस है, मंदिर का ये सारा। इधर घूमने वाले हैं पूरा, उस तरफ दर्शन करने वाले थे, पर दर्शन करने वाले इधर भी है, मंदिर है
सभी प्रकार का मंदिर है इधर भी, पर हर भगवान का नाम हम भी नहीं जानते हैं जो मैं बता पाऊँ आप सभी लोगों को पूरे। मंदिर है, देख लीजिए किस हिसाब से बनाया गया है, कितना अच्छा बना रखा है। उस मंदिर के अंदर चलते हैं क्योंकि पुजारी मना भी करता है वीडियो बनाने से, इसलिए जितना हो पाता है उतना मैं बना लेता हूँ। और की बनावट देखिए, जूम करके दिखा पा रहा हूँ। और ये एंट्री गेट है, यहाँ से बाहर सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे। भगवान को पहले दर्शन कीजिए, रिसेप्शन डाला हुआ है, अंदर से इस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पे लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं, और अंदर से जितना दिखा पाया उतना दिखा दिया, और बाहर से आप देख लीजिए। और यहाँ पे है पूरा बसेरा, इधर बंद कर रखे हैं अभी, वो नवरात्रा के दिन ही खोलते हैं। और पल्ली तरफ का भी दिखाऊंगा, दूसरे साइड का जिधर रंगोली है, कुंड है। और मैं दूसरे साइड आ चुका हूं आप सभी लोगों को दिखाने के लिए, और सारा जो वीडियो है इसी में कवर करता हूं मैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देख पाए या ना देख पाए साइज ही। ये पूरा इधर मंदिर है, और ये नवरात्रि में यहां का लाइव चलता है चैनलों पे। इस मंदिर का खास है जो बनावट, मैन जो है बनावट के ऊपर है ये मंदिर में। और ये भोले बाबा का तिरछोल और डमरू, ये मंदिर है। मंदिर ऊपर में इस प्रकार से है क्योंकि अलाउ नहीं है फोटो खींचना, मैं कोशिश करके बना रहा हूँ चुपचाप। मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे बजरंग बोली के पास, ये बहुत बड़ा बजरंग बोली है यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये ऑल फैमिली वीडियो बनवा रहे हैं। रंगोली है छतरपुर, और ये बजरंग बोली के साइड में एक नीम का पेड़ है। और इधर साइड में एक खाली पड़ा हुआ है, जंगल है। नवरात्र के टाइम में खुलते हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है ये चालू होता है नवरात्र के टाइम में, दो जो नवरात्र आते हैं साल में, और यहाँ से एंट्री होता है उस तरफ जाने की, ये जो यहाँ पे लाइन लगते हैं, और इस तरफ से पूरा प्रोसेस होता है जो चालू उस तरफ दर्शन करने के लिए, जो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से पूरा बनाया गया है। और दर्शक जो है एंट्री वहां से करते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा नवरात्रा में कहां से एंट्री शुरू होता है और लास्ट कहां तक जाते हैं। लाइन लगना उस गेट से चालू होता है नवरात्रि के टाइम में, और जो है अंदर पास होके यहां से आते हुए। और यही था
पूरा प्रोसेस। और इस मंदिर का मैं ताला भी दिखाऊंगा कितना बड़ा है। ये सब अभी बंद है। और यहाँ पे ये जो है माँ लिखा हुआ है, ताला जो है इतना बड़ा ताला है, पे बहुत बड़ा किछुआ है। लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप सभी लोगों को मिलते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।